हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइज, नीट यूजी के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है सामने, तो आज मैं वही बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ नीट यूजी रिजल्ट को लेकर, कि कितने बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आपके बने हैं, आ रहे हैं, और किस स्टेट के स्टूडेंट ने टॉप किया है। तो गाइज़, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो गाइज़, आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, हर टाइप की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूं कि कितने स्टूडेंट्स ने ये दावा किया है कि उनके 720 मार्क्स बन रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, दावा बहुत पहले हो चुका था और 5 स्टूडेंट्स ने ये दावा किया था कि उनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स बन रहे हैं। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है गाइज, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको बता दूँ कि 720 मार्क्स का दावा स्टूडेंट्स ने किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो 6 to 7 क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्शन है स्टूडेंट्स का, वो एक वैलिड ऑब्जेक्शन भी लग रहा है। तो बोनस मार्क्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि अगर मैं आपको बता दूँ कि प्रोविजनल आंसर के आने के बाद जब स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया है, और जब फाइनल जो आंसर की अब तक आई नहीं है, तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे उनके थ्रू देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया है, क्या उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन सही है, गलत है, तो उन्हें बोनस मार्क्स दिए जाने, नहीं दिए जाने चाहिए। तो गाइज, अब तक ये बात हो रही है कि बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, तो अगर ऐसे पॉसिबिलिटी होती है कि बोनस मार्क्स दिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन अगर बोनस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, उनका कोई सॉल्यूशन किया जाता है या आंसर चेंज किया जाता है या क्वेश्चंस को डिलीट किया जाता है, तो वो सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करने वाली है। तो अब NTA का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो आपका आने वाला है कल के दिन, कल इस टाइम तक आपका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। अब किस स्टेट के स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, तो गाइस 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट से है, और दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक ही स्टेट से है, लेकिन फाइनली मैं आपको बताऊंगी जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। अभी स्टूडेंट्स ने जो दावा किया है, मे बी उनका दावा गलत हो सकता है, या फिर जो उनकी कोचिंग के अकॉर्डिंग उनने जो आंसर की चेंज की है उसके अकॉर्डिंग गाइस इतने मार्क्स बन रहे हैं। अब देखिए, बोनस मार्क्स उनको मिलते हैं नहीं मिलते, या जो आंसर की आई है उनके, जो फाइनल आंसर की आएगी उनके अंदर आंसर्स चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो सब अब खेल जो है वो उनका है, क्योंकि वो जो 720 मार्क्स स्टूडेंट्स के बन रहे हैं वो कब 716 के अंदर पलट जाए, कुछ भी, कोई भी भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं पता अब तक। तो नीट यूजी का जो रिजल्ट है गाइस, कल आपका अनाउंस होने वाला है, कल इस टाइम तक आपका अनाउंस हो जाएगा, तो फाइनली ये पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स ने टॉप किया है और टॉपर स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। ठीक है, अब तक जो बोला जा रहा है, मे बी अफवाह हो सकती है, मे बी ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने, इतने स्टूडेंट्स ने गेन किया हो, क्योंकि 2020 और 2021 में ऐसा हो चुका है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और सबसे पहले आप रिजल्ट देख पाए। ठीक है गाइज, तो जल्द ही मिलते हैं आप नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।